अमेरिका भारत को 24 MH-60R रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर बेचने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि 260 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कीमत पर हेलीकॉप्टरों की बिक्री का फैसला दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि इस संबंध में एक प्रस्ताव को संसद के पास भेजा गया है। अमेरिका का कहना है कि भारत सरकार ने मल्टी मोड रडार, मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम और सटीक मार कर सकने वाले वीपन सिस्टम में लैस 24 MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर के लिए गुजारिश की थी। अमेरिका के अनुसार भारत इसकी मारक क्षमता से अपनी सर जमीन की रक्षा को और भी मजबूत कर सकेगा और इसके साथ भारत को एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन अभियानों के लिए बेहतर क्षमता मिलेगी। आपदा के वक्त ये हेलीकॉप्टर खोज और बचाव कार्य में भी काफी मदद कर सकता है। ये खास हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क स्थित लॉकहीड मार्टिन रोटरी और मिशन सिस्टम नाम की कंपनी ने बनाई है। वो इसे समुद्र में काम करने वाला दुनिया का सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर कहती है, जिसे खास तौर पर समुद्री जहाज से उड़ने और उतरने के लिए बनाया गया है। अमेरिकी नौसेना इसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर यानी समुद्र में पनडुब्बियों की तलाश के लिए करती है। इसके कॉकपिट में दो कंट्रोल है, जिसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर को पायलट भी हेलीकॉप्टर का पूरा कंट्रोल संभाल सकता है। इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक से अंधेरे और तेज धूप में भी कॉकपिट में मौजूद सभी उपकरणों को आसानी से देखा जा सकता है। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर में आधुनिक GPS सिस्टम के साथ साथ मिसाइल वाहक क्षमता भी है और कठिन से कठिन हालात में उड़ान भर सकता है। उड़ान भरते वक्त ये हेलीकॉप्टर 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सीधे ऊपर उठ सकता है और अधिकतम 267 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ भी सकता है। तकरीबन 7000 किलोग्राम का यह हेलीकॉप्टर एक बार में 10 टन तक सामान ले जा सकता है। कंपनी के अनुसार दुनिया में फिलहाल 300 से अधिक MH-60R हेलीकॉप्टर सेवा में हैं। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के अनुसार ये हेलीकॉप्टर 2001 में बनाया गया था और पहली बार अमेरिका ने 2005 में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद बड़ी तादाद में इनके उत्पादन को मंजूरी मिल गई थी। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ 24 MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं।